Dear student, today I will discuss about the topic cough. So what is the cough? Cough क्या होता है? Cough is a not a disease. It is a symptom. ठीक है? A cough is a sudden, often involuntary, forceful release of air from the lungs is known as cough. ठीक है? क्या होता है cough? एक sudden, forceful और hacking sound. ठीक है? To release some air and क्या करता है क्लियर और इरिटेशन को क्लियर करता है द थॉट ऑफ एयर वे. ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा कफ. ठीक है, कफ कफिंग जो ये जो कफिंग है एक स्टैंडर्ड वे होता है. ठीक है, किस चीज का स्टैंडर्ड वे? ये क्लियरिंग करता है योर थॉट एंड लंग्स एयर को. ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा कफ. और ये जो कफ होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं. तो ये टू टाइप्स के होते हैं. एक फर्स्ट होता है हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड सेकंड होता है प्रोडक्टिव कफ. तो जो हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है, इसमें क्या होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ में जो हम ऐसे कॉमन बोलते हैं कि हमारा जो कफ होता है, ठीक है, हमारा जो कफ है उसके साथ में बोलते हैं कि कफ किस. अगर ये एक तो होता है जो हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ है, ये क्या होता है इट इज़ आल्सो बट ड्राई कफ. ठीक है, इसमें क्या होता है ड्राई कफ होता है और इसके साथ में प्रोड्यूस नहीं होता है क्या चीज़ जो हमारा फ्लेगम. ठीक है, फ्लेगम और जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस नहीं होता किसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ में. ठीक है, जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है इसमें क्या होता है एक ड्राई कफ होता है और इसमें फ्लेगम और म्यूकस का प्रोड्यूस नहीं होता. ठीक है, और सेकेंड हमारे क्या होता है प्रोडक्टिव कफ. तो प्रोडक्टिव कफ क्या है, ये जो कफ है, ठीक है, प्रोडक्टिव कफ में इसमें क्या होता है हमारा जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, प्रूलेंट और नॉन प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है. ठीक है, तो ये जो प्रूलेंट और नॉन प्रूलेंट में और इसमें प्रोड्यूस होता है जो हमारा प्लेगम और म्यूकस है वो प्रोडक्टिव कफ में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉन प्रोडक्टिव और एक प्रोडक्टिव. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारा कफ है, ठीक है, ये एक्यूट सब एक्यूट इन सारे स्टेज पे होता है. तो हम देखते हैं जो हमारा एक्यूट कफ होता है, ठीक है, एक्यूट कफ यूजुअली होता है ये सडनली, ठीक है, कैसे ड्यू टू अ कोल्ड, ठीक है, फ्लू एंड साइन या साइन ऑफ इन्फेक्शन, इसके वजह से हमको सडनली कफ क्रिएट होता है. ठीक है, और सेकेंड इसका होता है सब एक्यूट कफ. ठीक है, ये लास्ट 3 to 8 weeks तक से होता है और उसके बाद हमारा होता है क्रोनिक कफ. तो ये जो क्रोनिक कफ है ये लास्ट लॉन्ग पीरियड्स तक से हमारा ये मतलब 10 weeks लॉन्ग वीक्स तक से रहता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा क्रोनिक कफ, जिसके भी एक एक्यूट कफ होता है, एक सब एक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फेस है, ठीक है, कफ पे जो फेस होता है वो क्या होता है मैकेनिज्म, जो कफ है उनका जो मैकेनिज्म है उस बेस पे ये जो कफ दिखाई देता है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से होगा दिखाई कौन कौन से फेस में हमको कफ का मैकेनिज्म शो होता है. तो बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ कफ, ठीक है, ये 4 फेज में डिवाइड है. फर्स्ट क्या होगा हमारा इरिटेशन फेज एंड सेकेंड इंस्पायरेशन फेज एंड थर्ड कंप्रेशन फेज एंड फोर्थ एक्सपायरेटरी फेज, जिसको हम एक्सपल्सन फेज भी बोलते हैं. ठीक है, तो जो हमारा इरिटेशन फेज है, ठीक है, उसमें क्या होता है जो इरिटेशन फेज है इसमें जो वन सेंसरी वेगस, ठीक है, नर्व और इन द लैरिंग्स, ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे कि ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकी और प्यूरा, ये सारा चीज जो उनके जो कैविटी है, ठीक है, वो हमारे इरिटेशन फेज में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है इंस्पायरेशन फेज. तो जो इंस्पायरेशन फेज होता है, ठीक है, ये ग्लोटिस जो हमारे इन द ग्लोटिस क्या होता है ये ओपनिंग एट द अपर पार्ट, ठीक है, ऑफ द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स के अपर पार्ट है उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन द वोकल कॉर्ड स्पेस. तो जो ग्लोटिस का जो स्पेस होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है ओपन हो जाता है ड्यू टू क्यों जो हमारे इसका जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण में जो ग्लोटिस होता है वो ओपन हो जाता है. कौन से फेज में? इंस्पायरेशन फेज में. ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा जो एक्सपायरेटरी और एक्सपल्सन फेज है, ठीक है, इसमें क्या होता है इन दिस फेज में ओपन सडनली ओपन होता है. क्यों? ड्यू टू जो हमारा कॉन्ट्रेक्शन होता है किस चीज का, जो मसल्स है, ठीक है, एक्सपायरेटरी मसल्स का अचानक से ही कॉन्ट्रेक्शन हो जाना. ठीक है, तो इस फेज ये क्या कहलाता है हमारा एक्सपल्सन फेज. उसके बाद क्या आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम
फर्स्ट क्या कहते हैं, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा ब्रोंकोस्कोपी। तो ये जो ब्रोंकोस्कोपी है वो क्या होता है, इट इज अ प्रोसीजर, ठीक है। इसमें और इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, लुक एट यूर लंग्स एंड एयर पासेज, ठीक है। ये चीज ब्रोंकोस्कोपी में किया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है इसमें मेजर किया जाता है क्या चीज, जो लंग्स का वैल्यूम है, ठीक है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी रेट्स, ठीक है, फ्लो, ये सारा चीज को हमको, जो फ्लो ऑफ गैस एक्सचेंज होता है, ये सारा चीज उसमें असिस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्पूटम एनालिसिस करते हैं। जो स्पूटम एनालिसिस में टेस्ट करते हैं और इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं, किस चीज को आइडेंटिफाई डिटेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, जो बैक्टीरिया फंगी, ठीक है, इन्फेक्ट, जो लंग्स को इन्फेक्ट किया है, ये सारा चीज उसमें डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक्सरे ऑफ द चेस्ट, हम यही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। देन उनके बाद क्या होता है, एंडोट्रोकियल बायोप्सी, ठीक है। जो एंडोट्रोकियल बायोप्सी क्या होता है, इट इज अ हाईली इफेक्टिव प्रोसीजर है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, यूज टू डायग्नोज, ठीक है, लंग कैंसर या इन्फेक्शन, ठीक है, या कोई भी अदर डिसीज, ठीक है, या फिर लार्ज लिम्फ नोड, ये सारा चीज में क्या डिटेक्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा ब्रोंकोस्कोपी का बायोप्सी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा मैनेजमेंट, तो हम देखते हैं मैनेजमेंट में का, कि हम क्या मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड होम रेमेडीज क्या